हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करते हैं आज की एक नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई नवेली ग्रैंड विटारा 2022 के बारे में। तो भाई, रिसेंटली ये सोशल मीडिया पे अनवील हुई थी और अब ये दो दो दिन के लिए हर शोरूम पे जा रही है, तो हमें भी गाड़ी मिल गई है। आपको इसका पूरा रिव्यू हम देने वाले हैं, पूरा वॉक अराउंड आपको दिखाने वाले हैं, तो पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। ये मारुति ने जो एक नई ब्रीड SUV कहा है इसको, ये मारुति ने शिफ्ट किया है अपनी एक गाड़ी SUV सेगमेंट के अंदर। ये कम्पीट करेगी क्रेटा और किया सेल्टॉस के साथ। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें तो जो टोयोटा हाई राइडर है वो भी इसी से मैच करती हुई है। इनफैक्ट अगर उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, या तो वो आगे बम्पर में मिल जाएगा या फिर पिछले वाले बम्पर में हल्का फुल्का लाइट भी आपको चेंज मिल जाएंगी। बाकी जो टोयोटा हाई राइडर है वो भी इसी से इंस्पायर करके टोयोटा ने ली है। ये पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक कार मारुति ने बना दी है। इनफैक्ट अगर हम इसके फ्रंट से शुरुआत करें तो आप नोटिस करेंगे काफ़ी ज़्यादा आपको क्रोम फिनिशिंग इसमें मिल जाती है। क्रोम ट्रीटमेंट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। बीच में आपको मारुति का लोगो मिल जाता है और ये ग्रिल आपको ग्लॉसी ब्लैक मिल जाती है। आगे और पीछे स्किड प्लेट ऐड किए गाड़ी को रफनेस और रगड़नेस शो करने के लिए, क्योंकि भाई SUV सेगमेंट के अंदर अगर आपको स्टैंड करना है ना, तो आपकी गाड़ी रफनेस भी शो करनी चाहिए और रगड़नेस भी। इनफैक्ट अगर हम इसके लाइट्स की बात करें तो एक 3 क्रिस्टल सेटअप आपको इसमें मिल जाता है। ये आपको इंडिकेटर का काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको भी चला के दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो ये आप देख सकते हैं, यही आपकी लाइट्स का काम करती हैं जो कि LED सेटअप के साथ दी हैं, और यही आपकी इंडिकेटर का काम करती है। नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं जो कि LED सेटअप के साथ दी हैं, और ये साइड में आपको ग्लॉसी ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है। इनफैक्ट अगर आप नीचे देखें तो आपको क्रोम फिनिशिंग की सरमाउंडेड दी हुई है। और अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो चलिए गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो साइड में से आप देख लो, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आपको लंबी सी शो हो रही है। तो इसकी लेंथ बताता हूँ, इसकी लेंथ आपको 4645 mm मिलती है, और हाइट की बात करें तो 1650 mm इसकी हाइट है, और विड्थ की बात करें तो वो आपको 1795 mm मिल जाती है। लगभग आपको 1800 mm आपको इसकी विड्थ मिल जाती है। ये आप नीचे यहाँ पे अलॉय देख रहे हैं, ये टॉप मॉडल है जो कि इस अलॉय सेटअप के साथ आता है। ये इसमें आपको 17 inches का अलॉय व्हील मिल जाता है जो कि डुअल टोन में है, सिल्वर और ग्रे के साथ। आगे आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे आपको शॉक ब्रेक दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया, गाड़ी को प्रीमियम ने शो करने के लिए इसमें क्रोम फिनिशिंग ज़्यादा यूज़ की हुई है, जो जैसे कि आप देख सकते हैं ये नीचे भी और पीछे भी मिल जाती है। ये देखो आप, ये टायर ग्लाइडिंग आपको ऊपर दी हुई है। देन ORVM की बात करें तो इसे आपको ग्लॉसी ब्लैक मिल जाता है, और नीचे आपको इसमें 360 व्यू के लिए कैमरा भी दिया हुआ है। ये आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और ये क्रोम फिनिशिंग भी दी हुई है। अगर आप डोर हैंडल देखें तो ये आपको रिक्वेस्ट सेंसर के साथ मिल जाता है जो कि बॉडी कलर है। ये आपको रेन वाइजर मिल जाते हैं, और ऊपर ये छोटी छोटी रूफ रेल्स आपको मिल जाती हैं। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की हुई है, और वो शार्क फिन एंटीना आपको दिया हुआ है। A+, B+ ब्लैक्ड आउट आपको मिल जाते हैं, और ये थर्ड क्वार्टर ग्लास पे भी रेन वाइजर दिया हुआ है। देन आप चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, गाड़ी रियर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। इधर आप देखें तो आप इधर आपको ग्रैंड विटारा की बैजिंग मिल जाती है, इधर आपको मारुति का लोगो मिल जाता है, और ये आपको पीछे रिवर्स लैंप और ब्रेक लैंप लाइट मिल जाती है। ये नीचे आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर की लाइट दी हुई है, और ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और इधर आप देखें तो इधर स्मार्ट हाइब्रिड की आपको बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे नेक्सा की बैजिंग भी दी हुई है। इसमें आपको स्पॉइलर दिया हुआ है, और ये आपको डिफॉगर मिल जाता है, और ये वाइपर। देन पीछे आप देखें तो इधर आपको स्किड प्लेट भी आई हुई है, जैसे कि मैंने बताया, और इधर आपको मिल जाता है फ्यूल फिलर कैप। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 45 लीटर। एंड ये है कुछ गाड़ी का साइड से लुक। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, अब आपको दिखाते हैं गाड़ी का इंटीरियर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले दिखा देते हैं आपको इसकी की, वही नेक्सा की जो कि हर गाड़ी के साथ नेक्सा की देती है, वही सेम सी की इसमें मिल जाती है, लॉक और अनलॉक। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको गाड़ी अंदर से दिखाते हैं पूरा। तो सबसे पहले तो डोर ट्रिम की बात आती है, इसमें आपको बहुत ही स्टाइलिश सा डोर ट्रिम मिल जाता है जो कि डुअल टोन में है, ब्लैक के साथ आपको डार्क ब्राउन का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और इधर आप देखें तो सैटन सिल्वर में आपको डोर हैंडल मिल जाता है, और ये छोटी सी स्ट्रिप सिल्वर कलर की आपको मिल जाती है। देन ये आपको ORVM कंट्रोल मिल जाते हैं, ये ऑटो फोल्ड ऑटो अनफोल्ड कंट्रोल मिल जाते हैं, ये आपको लॉक अनलॉक कंट्रोल मिल जाते हैं, ये विंडो लॉक
लॉक अनलॉक कंट्रोल मिल जाते हैं। ये आपको विंडो कंट्रोल दिए हुए हैं, ये आपको पूरी जो कंट्रोल्स हैं ये सरमाउंटेड मिल जाते हैं ग्लॉसी ब्लैक से। नीचे आपको यहाँ पे बोतल होल्डर के लिए स्पेस मिल जाता है, थोड़ा सा अपना कुछ सामान रखने के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेस दिया हुआ। इसमें आपको लगभग 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं। इधर आप देखें तो नेक्सा हाईलाइट करके दिया हुआ है। अब बात करें हम सीट्स की, तो सीट्स आपको पूरी लेदरेट मिल जाती है, जो कि आप अपने हिसाब से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। लंबर सपोर्ट के साथ आपको दी हुई है। ये हम ऐसे कर लेते हैं पीछे सीट्स, अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, एक बार कर लेते हैं इग्निशन ऑन। ये हो चुका है गाड़ी का इग्निशन ऑन। तो ये सबसे पहले तो स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं। इसमें आपको यहाँ पे मोड्स मिल जाते हैं और ये ऊपर आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। उसकी बात करेंगे अभी मल्टीमीडिया के। इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं और इधर आपको टेलीफोनी कंट्रोल और वॉइस रिकॉग्निशन कंट्रोल दिए हैं। ये ऑटोमेटिक है तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं। इधर अगर हम बात करें तो इधर आप वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और इधर आप देखें तो इधर आपको लाइट्स कंट्रोल मिल जाते हैं। सामने आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड मिल जाता है टैकोमीटर और राइट साइड मिल जाता है स्पीडोमीटर। बीच में आपको MID दी हुई है, जिसमें आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, किलोमीटर पर लीटर, इनफैक्ट आपको रेंज भी मिल जाती है। और अगर हम इसे यहाँ से चेंज करें तो ये देखो आपको यहाँ पे स्पीड भी मिल जाती है, ड्राइविंग टाइम आपको मिल जाता है, आइडल स्टॉप, क्लॉक, मोशन फ्रंट, टॉर्क और पावर कितनी प्रोड्यूस करती है उसके बारे में बात करेंगे अभी। ये एक्सीलेटर ब्रेक आप कितनी स्पीड से और किस रेशियो में दबा रहे हैं। आपको यहाँ पे बैटरी आप देख सकते हैं कितनी चार्ज है और कितनी अनचार्ज है। अब अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो आपको हार्ड प्लास्टिक में दिया हुआ है, जो कि ब्लैक कलर में है। अब एसी की बात करें तो एक एसी वेंट आपको इधर मिल जाती है और 3 AC वेंट इधर दी हुई है। टोटल आपको 4 AC वेंट मिलती हैं, जो कि ग्लॉसी ब्लैक से सरमाउंटेड मिल जाती है। सामने आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों से कनेक्ट आप कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं इधर आपको क्लॉक मिल जाती है और ये व्हीकल की इन्फॉर्मेशन। फिर डैशबोर्ड पर क्लिक किया तो फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड, एनर्जी फ्लो। देन नेक्स्ट करते हैं तो एम्बिएंट लाइटिंग आपको इसमें मिल जाती है। एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पे मिलती है ये ऊपर की तरफ। देन ये आपको डोर अनलॉक, एसी मोड वाइल आइडल स्टॉप और ये लेन चार्जिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आपको इसमें मिल जाते हैं। ये देखो एक बार होम पे क्लिक करते हैं तो वापस हम वापस चला दें। इधर आप अपना फ़ोन ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आपको ये हार्ड कंट्रोल बटन मिल जाता है। ये आपको डुअल जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है। नीचे हम बात करें तो इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, पैसेंजर एयरबैग कंट्रोल बटन और 12 वोल्ट का पोर्ट आपको मिल जाता है। ये USB पोर्ट दिया हुआ है और ये ऑटोमेटिक है जैसे कि मैंने बताया। तो वही पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल। मैनुअल आप यहाँ से अपने पैडल शिफ्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। इधर आपको हैंड ब्रेक दिया हुआ है और 2 कप होल्डर्स का स्पेस आपको मिल जाता है। छोटा सा अपने यहाँ पे की रख सकते हैं। ये आपको आर्मरेस्ट दिया हुआ है जो कि स्लाइडेबल है। इनफैक्ट हम इसे खोलें तो आप देखो इसमें आपको छोटा सा अपना कुछ सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। इसकी जो डैशबोर्ड के नीचे की चीज़ है, मतलब कि जो सरमाउंडेड है, वो आपको डार्क ब्राउन कलर में मिल जाती है, जो कि ब्राउन कलर से स्ट्रेच की हुई है लेकिन वो लाइट ब्राउन है। इनफैक्ट अगर हम इसके ग्लो बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको अच्छा खासा ग्लो बॉक्स मिल जाता है, जो कि कूलिंग के साथ नहीं दिया हुआ है। बाकी ये है इसका पैसेंजर डोर। इधर आपको ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है, इसे जो कि ऑटो डिमिंग और ऑटो डे के हिसाब से अपना आप सेट हो जाता है। ये आपको टिकट होल्डर मिल जाता है और ये मिरर विद लाइट, ये आपको लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि हैलोजन बल्ब के साथ दी हुई है। LED नहीं दी, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कर देती है। ये देखो लाइट अपने यहाँ से जला सकते हो, बाकी हमने कर दी बंद। ये आपको सनरूफ का ओपन और लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा तो ये सनरूफ हमारी लॉक हो रही है। बाकी ये देखो सनरूफ लॉक हो चुकी है और ये नीचे है इसके, ये भी वापस आ रहा है। ये देखो भाई ऊपर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है सनरूफ। इनफैक्ट मारुति ने इस बार काफ़ी कुछ चेंज किया है अपनी गाड़ी में।
बाकी सही है यार, बहुत पुरानी कंपनी है, चेंज करना भी चाहिए। अब चलते हैं आपको इसकी रियर सीट्स दिखाते हैं, तो एक बार कर देते हैं इग्निशन ऑफ। ये है इसका रियर डोर, जैसी डोर की थीम आपको आगे मिलती थी ऐसी आपको पीछे भी दी हुई है, और यहाँ पे नेक्सा हाईलाइट करके दिया हुआ है। एक बार आपको इसका कंफर्ट दिखाते हैं, नी रूम लेग रूम आपको दिखाते हैं, अंडर थाई सपोर्ट। ये देखो आप, इधर आपको एसी वेंट मिल जाती है, नीचे दो सॉकेट चार्जिंग पोर्ट आपको दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें नी रूम लेग रूम मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। और ये है इसका कुछ फ्रंट से लुक, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई। ये रीडिंग लैंप आपको इस तरफ और इस तरफ मिल जाते हैं, ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, और बाकी आराम से इसमें तीन लोग बैठ सकते हैं, इनफैक्ट थोड़ा सा कंजेस्टेड होके चार लोग भी बैठ सकते हैं। ये आपको पीछे पॉकेट मिल जाती है। देन अब बात करें हम इसके बूट स्पेस की, तो इसका बूट एक बार ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए बूट ओपन करते हैं। तो हाइड्रोलिक के साथ दिया हुआ है इसका जो बूट है, इसमें आपको लगभग 300 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और हम इसे ओपन करें तो इसी में आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, सामान के हिसाब से। ज़्यादा आपका सामान है तो आप इसे ऊपर होल्ड करके यहाँ पे नॉक कर सकते हैं, बाकी नीचे आके सिंपल ऐसे ही रहता है। ये एक बार कर देते हैं इसे बंद। ये है इसकी रियर प्रोफाइल। देन अब हम आपको दिखाएं इसका इंजन बे, का इंजन बे। इसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 101 bhp के, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 136 nm का। ये आपको फोर सिलेंडर इंजन ऑप्शन आपको मिल जाता है। देन ये टू व्हील ड्राइव है, फोर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है। अब एक बार कर देते हैं इसको बंद, उसके बाद आपको इसकी हमारा एक छोटा सा वीडियो ग्रैंड विटारा के ऊपर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी जो प्राइसिंग है वो भी आई नहीं है, वो लगभग 20 तारीख के समथिंग आपको मिल जाएगी देखने के लिए। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी जो मतलब जो लगभग इसकी जो प्राइसिंग आएगी ना, वो 11 से 20 लाख के बीच में आएगी। ये टॉप मॉडल है जो कि अभी ओवरऑल इंडिया में सारी जगह जा रहा है नेक्सा के शोरूम पर। बाकी छोटी सी वीडियो है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।